दोस्तों, जिस चीज का हमें पूरे दिल से इंतजार था वो आ गई है। तो चेनसो मैन का सीजन 1 अक्टूबर 11 से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। में से जिन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार चेनसो मैन क्या है, तो चेनसो मैन एक एनिमे है जिसका अडेप्टेशन मापा वाले कर रहे हैं, जो चेनसो मैन नाम की मांगा पे बेस है, जो रिसेंटली 2021 में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। इस एनिमे के अभी तक 2 ट्रेलर्स आ चुके हैं, जिन्हें आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो अब चेनसो मैन की कहानी की बात करें तो होता है ऐसा है कि डेवल्स नाम के मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो ह्यूमंस के फियर पे फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एनिमे में एक गन डेवल नाम का डीमन एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको पता है कि बहुत से लोग गन से डरते हैं, तो इस वजह से ये डेवल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसके जैसे दूसरे नाम वाले भी डेवल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम फियर्स पे होता है, और उनमें से है चेनसो मैन। जो भी इंसान चेनसो से डरता होगा, उसकी वजह से चेनसो वाला डीमन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये डीमन इंसानों के लिए खतरनाक है? जवाब है हाँ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आखिरकार इंसान डेवल्स से निपटेंगे कैसे? इस एनिमे में एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जो डेवल्स से डील करती है। तो होता कुछ ऐसा है कि कुछ डेवल्स एग्जिस्ट करते हैं जो इंसानों के साथ मिलके उनके साथ एक डील करते हैं। इस डील के बदले इंसानों को अपनी कोई इम्पोर्टेंट चीज उन्हें देनी पड़ती है, जिसमें जान भी आ जाती है। इस तरीके का यूज करके इंसान दूसरे बुरे डेवल्स से लड़ते हैं। ये बात तो पक्की है कि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आप लोग सोनन मांगा के फैन है तो ये एनिमे आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये एनिमे सुपर नेचुरल है और बहुत ही ज्यादा आर रेटेड भी है। इसमें बहुत सारी 18 प्लस चीजें दिखाई गई है, सेक्सुअल स्टफ भी दिखाया गया है बहुत ज्यादा। तो बहुत से जो लोग है मेरे जैसे लड़के, उनको ये चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर डेंजी की बात करते हैं। तो आपको डेंजी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप 18 और 20 साल के कोई लड़के हैं तो आपको ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि इस कैरेक्टर्स की जो नीड्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है लड़कों से। डेंजी की लाइफ के दो ही गोल है, एक तो अच्छा खाना और समझ जाओ यार। इसे मुझे लगता है कोई भी 18 साल का 20 साल का लड़का जवान जो है वो रिलेट कर पाएगा। डेंजी का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास में आता है, जिसकी वजह से उसके जो डिजायर्स हैं वो बेसिक हैं और जो मुझे लगता है जिससे सब रिलेट कर पाएंगे। और एक फीमेल कैरेक्टर की बात करेंगे हम, जो मेरा फेवरेट है पर्सनली, वो है मकीमा। मकीमा एक हेड है पब्लिक सेफ्टी डिविजन 4 की, जहाँ अपना डेंजी काम करता है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगा अगर आप लड़के हो तो, समझ रहे हो ना। मकीमा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए आप सिम करोगे। मकीमा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए लड़के पागल हो जाएंगे जब ये एनिमे रिलीज होगा। चेंसो मैन के एपिसोड 11 अक्टूबर से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके मुझे लगता है 12 एपिसोड हमें इस साल देखने मिलेंगे, और दूसरे जो 12 एपिसोड है वो हमें अगले साल में देखने मिलेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था, पर मापा वालों ने कुछ ज्यादा ही काम ले लिया है, जिसकी वजह से हमें वेट करना होगा दूसरे 12 एपिसोड्स के लिए। ये एनिमे मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। एनिमेशन इसका जबरदस्त लग रहा है, एनिमेशन भी बहुत ही गजब है। मापा वाले ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, हर कैरेक्टर का डिजाइन जो एनिमेशन है वो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मैं अपने चैनल पे एनिमे और मूवीज से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा देना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो यार, मकीमा का ही इंतजार है हमें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।